एक भाई साहब है जिन्होंने कमेंट किया था और कुछ कुछ कमेंट पहले भी आया था कि सर 28 SP हम अपना SAO में और 28 SP हम अपना SGO में हम कंप्लीट किए, उसके बाद भी हमारा पेमेंट नहीं आया, ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस तरह से कई व्यक्ति जैसे कि कमेंट 40 SP किए, हम 40 SP किए तो भी पेमेंट नहीं आया। कोई बोलते हैं कि 35 SP हम लेफ्ट में किए बोनस सहित इंसेंटिव में 35 SP तो भी पेमेंट नहीं आया, तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसको मैं आपको क्लियर करने से पहले पेमेंट कैसा आता है इसको मैं आपको दोस्तों मैं इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों आपको 50 SP से कम में आपको कोई पेमेंट कंपनी नहीं देती है, ठीक है। 50 SP से यदि आपका कम का पेयर बनती है तो दोस्तों आपका कोई इनकम पेमेंट नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पास हम जैसे अपना एक ID क्रिएट करते हैं, ठीक है, और हमको दो बिजनेस सेंटर मिलता है, ठीक है, दो बिजनेस सेंटर, इधर को बोलते हैं हम SAO और इधर को बोलते हैं हम SGO, ठीक है। इसको कुछ बोनस भी बोलते हैं, इसको इंसेंटिव बोलते हैं। तो दोस्तों हमारा जैसे कि जो ऊपर में जो हम हैं, हमारा ID बाय द वे 100 SP से हम अपडेट कराए हैं, अपने ID को टॉपअप कराए हैं, ठीक है। और आपके जब आपको जब पेमेंट यदि आपको रिलीज होगा तो दोस्तों कब होगा? जब आपके नीचे में दोस्तों मिनिमम आपको 50 SP आपका बोनस साइड और 50 SP आपका राइट साइड आपके पास SP कलेक्ट होना चाहिए, आपके चाहे डायरेक्ट आप ज्वाइन कराएं चाहे आपकी टीम के माध्यम से हो, जैसे भी हो। तो दोस्तों आपको दोस्तों दो ID 50 SP कम से कम होना चाहिए। दोस्तों यहीं पास आपका 50 होता है तो यहाँ पास आपको 500 रुपया आपको मिनिमम कंपनी को पेमेंट देती है। दोस्तों बाय द वे 50 SP से यदि कम आपका नीचे में प्लेसमेंट होता है SP, बाय द वे इधर 28 या 27 SP भी अगर जो एक होता है ID 3 प्रकार का होता है, जैसे कि एक 27 SP का हम ID बनाते हैं, एक 52 SP का, एक है 100 SP का। तो दोस्तों 27 SP का भी करते हैं तो भी हमारा पेमेंट होल्ड रहती है जब तक 50 SP मिनिमम ना हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पास 50 SP कम से कम होना चाहिए, और यदि इसी में 50 SP आपका और हो जाता है, ठीक है, 50+ और हो जाता है तो ये तो टोटल हो गया 100 SP हो गया इधर, ठीक है, 100 SP, और इधर भी 50 SP हो जाता है तो इधर भी टोटल हो जाता है 100 SP हो जाता है। तो दोस्तों 100 100 SP का यदि हम मैचिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पास मैं बताना चाहूँगा कि 1 SP × 1 SP बराबर होता है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपया। तो 100 100 SP का यदि हम मैचिंग करेंगे तो होता है 1 SP का मैचिंग के हिसाब से 10 रुपये, तो 100 100 SP का दोस्तों यहाँ पास होता है, ठीक, तो आपका इनकम यहाँ पास आ जाता है 1000 रुपये। तो दोस्तों ये जैसे कि 50 SP पहले था, 50 SP अब था, तो आपका इनकम होगा 1000 रुपये। यदि 50 SP का पेमेंट पहले से आपको मिल चुका है 500 रुपया, तो दोस्तों जब 50 और करोगे तो आपको मात्र 500 ही मिलेगा, लेकिन टोटल इनकम आपका 1000 रुपया होगा, ठीक। यदि आप एक ही बार में इकट्ठा हो गया, यदि आप एक क्लोजिंग के अंदर में, एक सप्ताह के अंदर में यदि आप 100 SP करते हैं तो एक सप्ताह के अंदर में आपकी इनकम आएगा 1000 रुपये। यदि आप 2 सप्ताह में करते हैं, एक सप्ताह 50 SP किए, ठीक, दोनों साइड, और अगले सप्ताह फिर से 50 SP किए, तो आपका 5500 रुपया 2 हफ्ते में 5500 रुपया आपको 2 भाग में डिवाइड होकर आपका पेमेंट आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बोनस लेने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको मालूम है कि इधर 100 SP हो गया, ठीक है, इधर भी 100 SP, तो आपने दोस्तों आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा अपना SAO से, ठीक है, SAO यानी कि बोनस से आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। इधर दो व्यक्ति अब ज्वाइन करा है बाय द वे, जैसे कि 50 SP से किसी राम को और 50 SP किसी सैम को अब ज्वाइन करा है। तो दोस्तों आप और दोनों व्यक्ति मिल के फिर से आपको इधर बोनस साइड में 100 SP आपको और करना पड़ेगा, ठीक है, बोनस को लेने के लिए। जैसे आप 100 SP करते हैं तो टोटल इधर हो जाता है 200 SP, ठीक है, और इधर कितना 100 ही SP है। तो दोस्तों जैसे 200 होता है तो दोस्तों 200 इधर होता है, यानी कि आपका जो जो ID है, ठीक है, इधर 200 SP और इधर 100 SP, जैसे ये वाला कंप्लीट करते हैं, ठीक, इस प्रकार से काम करके ये आप कंप्लीट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पास देखिए कि 100 100 SP का आप 1000 रुपया ऑलरेडी आप ले चुके थे, तो दोस्तों उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मिल चुका है। जैसे ही इधर 100 में 100 एक्स्ट्रा और के 200 कंप्लीट होता है, ठीक है, 100 पुराना इसमें काउंट रहेगा, एक्स्ट्रा सिर्फ 200 और करते हैं तो दोस्तों इसका आपको अलग से आपको मिलेगा 1500 रुपया आपको मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। और पहले से जो आपको मिला था इनकम 1000 रुपया वो मैचिंग था, तो टोटल यदि करते हैं तो यहाँ पास आपको टोटल दोस्तों आपका इनकम हो जाता है 2500 रुपया इनकम, ठीक है। और दोस्तों इसी को बोलते हैं अपना यहाँ पास हम ब्रोंज रैंक। तो दोस्तों यहाँ पास इसको हम ब्रोंज लेवल बोलते हैं, यानी कि ब्रोंज आपको जो पहला जो रैंक है उसको अचीव करने के लिए अपने बोनस साइड आपको 200 SP करना पड़ेगा, और आपका राइट साइड में दोस्तों आपको करना पड़ेगा 100 SP। इनसे आपका टोटल इनकम 2500 रुपये होगा और आपका पहला रैंक ब्रोंज रैंक होता है। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूँ
कि 50 SPI से यदि कम आपके आईडी के नीचे दोनों साइड में, ठीक है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, अगर 20 SPI, 25 SPI, 30 SPI, 45 SPI, यहाँ तक 49 SPI तक यदि दोनों साइड है तो आपका पेमेंट होल्ड रहेगा, आपका इनकम नहीं बनेगा। जब 50 SPI कम से कम होगा तब 500 रुपये आपको कंपनी देगी और उससे ऊपर जितना भी होता है उसके हिसाब से आपको इनकम दे देगी। तो दोस्तों ये रहा कंपनी का कुछ बेसिक प्लान जो अक्सर जो नए व्यक्ति डाउट में रहते हैं जैसे ज्वाइनिंग करते हैं। दोस्तों यह वीडियो मैं बनाए हूँ उसी के लिए जो स्टार्टिंग में जो ज्वाइन करते हैं नए व्यक्ति और उनको थोड़ा मालूम नहीं रहता, तो दोस्तों इस वीडियो से उसको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस बेस को, इस प्लान को समझते हुए दोस्तों आप ज्वाइन करें, ऐसा नहीं कि धोखा में आप कुछ समझे अलग और हो कुछ अलग रहा है, बाद में कहने लग जाए कि मेरे सीनियर झूठ बोल दिया, कंपनी का प्लान खराब है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लान को पहले आप समझ जाइए बेसिक को, उसके हिसाब से उसके बाद आप काम करिएगा। दोस्तों जैसे कि अगला लेवल की ये तो रहा पहला रैंक हो गया, ठीक है, पहला रैंक। दोस्तों अगला रैंक में जाने के लिए जैसे कि ये आप हैं, ठीक है, और आपके नीचे में 200 SPI और 100 SPI था, तो दोस्तों यही लोग फिर से काम करेगा और आपको होना पड़ेगा यहाँ पास 600 SPI, ठीक है। और जो एक व्यक्ति इधर है, ठीक, आप और 100 SPI से किसी को आप ज्वाइन कराए थे, ठीक है, 50-50 करके दो व्यक्ति को कराओ चाहे एक व्यक्ति को 100 SPI से सेल कराओ, तो दोस्तों इधर से यही आप और नीचे वाले लोग मिलके आपको करना पड़ेगा फिर से 300 SPI। तो दोस्तों बस मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो 600 SPI है, जो पहले का जो 200 SPI है इसमें काउंट नहीं है, ठीक है, यही 200 SPI के जो एक दो लोग हैं और आप हो, सभी लोग मिलके नया आपको 600 SPI फिर से आपको यहाँ पास कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आईडी नीचे में भी प्रोडक्ट को आपको सेल करना पड़ेगा। और इधर जो पहले से जो आप थे और 100 SPI से कोई व्यक्ति आया था आपके नीचे में, ठीक है, राइट साइड में, वही सभी आप दोनों मिलके, ठीक है, नया आपको 300 SPI यहाँ पास आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों इनका इसका इनकम इस प्रकार से होता है, जिसकी 300 और 300 का मैचिंग करेंगे तो हमारा जो इनकम आएगा यहाँ पास 3000 रुपया, इसको हम बोलते हैं इंसेंटिव या मैचिंग इनकम। और दोस्तों उसके बाद जैसे कि इधर का हम 300 बस दिए बोनस सेट का और इधर का 300, तो 300 SPI का 3000 रुपया, लेकिन इधर 300 एक्स्ट्रा है, यानी कि इधर 600 है, तो जैसे 600 कम्प्लीट होता है तो आपको यहाँ पास मिल जाएगा अलग से 4500 रुपया आपको और मिलेगा, इन्हें कहते हैं बोनस। तो दोस्तों हम टोटल अगर बात करें तो 7500 रुपया आपको टोटल इनकम होता है और इस रैंक को कहते हैं सिल्वर रैंक, यानी कि सेकेंड रैंक है कंपनी का, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हम पहला रैंक की बात करें तो आप समझ 200 SPI आपको लेफ्ट टर्म करना पड़ेगा टोटल मिला के, 100 SPI आपको राइट में, तो टोटल आपका इनकम होता है 2500 रुपया, जिसको हम ब्रॉन्ज रैंक बोलते हैं। अगला रैंक करने के लिए, सेकेंड रैंक के लिए 600 SPI आपको नया करना पड़ेगा बोनस साइड में और राइट साइड में करना पड़ेगा 300 SPI, टोटल इनकम 7500, इसे हम सिल्वर रैंक कहते हैं। दोस्तों इस तरह से तीसरा रैंक के लिए 1200 SPI आपका लेफ्ट बोनस साइड में करना पड़ेगा लेफ्ट में और 600 SPI आपका राइट में, तो आपका 6000 रुपये इनकम आपका उसका होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका अलग अलग आपका लेवल का अलग अलग इनकम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं बात करूँ कि कंपनी में जो लेवल है, एक लेवल से स्टार्ट है पहला लेवल से ब्रॉन्ज से और ब्रांड एम्बेसडर कंपनी का 18वां रैंक है दोस्तों, वहाँ तक खत्म हो जाती है। तो दोस्तों 18 रैंक है, तो दोस्तों आप भी आइए और इस प्लान को यदि आप समझ गए होंगे, यदि आपको पसंद आया होगा इसका प्लान, तो दोस्तों आप भी ज्वाइन कीजिए और अपने सीनियर और सिस्टम के सपोर्ट से आप भी आगे बढ़िए। दोस्तों इसी तरह बिजनेस प्लान में और कोई डाउट आप यदि आपको होगा तो दोस्तों हमें आप डायरेक्ट आप DM कर सकते हैं, दोस्तों हम कोशिश करेंगे वीडियो के थ्रू कि आपकी हेल्प करने का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली बार कोई ऐसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं जय कुमार जंगल आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।